गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एल्कोहल में ही दूसरा या कह सकते हैं कि एल्कोहल श्रेणी के एक दूसरे सदस्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है एथिल एल्कोहल। क्या बच्चों? एथिल एल्कोहल। इस एथिल एल्कोहल का इंट्रोडक्शन या क्या होता है, इसका भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में एप्लीकेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखें, एथिल एल्कोहल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एथिल एल्कोहल का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र जो होता है या कह सकते हैं रासायनिक सूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। इसका जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम है, वह कॉमन नेम है, एक तो एथिल एल्कोहल, एक है एथिल एल्कोहल और दूसरा है ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल। इसे स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, स्प्रिट ऑफ वाइन, स्प्रिट ऑफ वाइन, क्योंकि सारे जो वाइन है, शराब होती है, वो सारे शराब का जो मुख्य संघटक होता है वो एथिल एल्कोहल होता है, इसीलिए इसका नाम स्पिरिट ऑफ वाइन है। ग्रेन एल्कोहल क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसका निर्माण, इसका जो प्रिपरेशन है वह प्रायः ग्रेन से किया जाता है, अनाजों से किया जाता है, या कह सकते हैं स्टार्ची जो ग्रेन है, जिन ग्रेन में, जिन अनाजों में स्टार्च होता है उनसे प्रायः इसको हम प्राप्त करते हैं या इसका निर्माण करते हैं, इसीलिए इसका नाम ग्रेन एल्कोहल है। क्या है? ग्रेन एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये कॉमन नेम इसके एथिल एल्कोहल भी हो सकता है, ग्रेन एल्कोहल भी कहा गया, स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहा गया। एथिल एल्कोहल क्योंकि इसमें एथिल समूह है पांच समूह के रूप में, इसलिए इसका नाम एथिल एल्कोहल हो गया। ग्रेन एल्कोहल क्यों है? क्योंकि यह ग्रेन से प्राप्त होता है, अधिकतर स्टार्ची ग्रेन जो होते हैं उनसे हम इस एल्कोहल का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। जितनी भी प्रकार की वाइन होती हैं, शराब होती हैं, उसमें मुख्य घटक होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है? मुख्य घटक एथिल एल्कोहल होता है, इसीलिए इसे हम स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। आइए देख लेते हैं इसका IUPAC नाम क्या है, IUPAC नेम क्या है। अब चूंकि इस कंपाउंड में, इस यौगिक में, इस एल्कोहल में दो कार्बन परमाणु है, तो इसका संगत एल्केन जो हुआ वह एथेन हुआ। क्या हुआ? एथेन। अब एथेन में से ई निकाल करके और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसका जो IUPAC नाम होगा वह एथेनॉल होगा। स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या है। तो C2 लिखा है, दो कार्बन, कार्बन परमाणु के लिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, इसमें इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये हो गया O और ये हो गया H, यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या हो गया? इसका हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन परमाणु हो गया, कार्बन परमाणु हो गया, यहाँ हम लोग ऑक्सीजन लिख दिए, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए। अब कार्बन परमाणु है तो कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 1, 2, 3 और 4 हो गया। कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन, कार्बन परमाणु के यहाँ भी संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे यहाँ से जुड़ा जो अन्य हाइड्रोजन है, 1, 2, 3,
चार और पांच, यहाँ पर इस तरह से इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों का कंप्रोमाइज करता है, कार्बन हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों का कंप्रोमाइज करता है, साझा करता है, इस प्रकार से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में चार है, तीन इलेक्ट्रॉनों का इधर साझा किया तो चार तीन सात, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से तो सात और एक आठ, इस प्रकार से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे यहां पर चार दो छह सात और एक इलेक्ट्रॉन, यहां से ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, आठ इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे यहां पर ये हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो है अपना अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस तत्व यानी हीलियम की संरचना प्राप्त कर लिया। छह इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस प्रकार से ये इसका हो गया स्तर। तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लें तो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अगर देखें तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर चार संकरित ऑर्बिटल, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी चार संकरित ऑर्बिटल, यहाँ पर भी संकरित ऑर्बिटल चार हैं, लेकिन दो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में संरक्षित हो गए। हाइड्रोजन ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, इसी प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, यह हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और यह हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा व्यवस्थित हो गया। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी। ये हो गया बच्चों एथिल अल्कोहल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये एथिल अल्कोहल का बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, और ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एथिल अल्कोहल जो अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है, कौन सा दूसरा सदस्य है, इसके इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, या कह सकते हैं इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो वो है C2H5OH, कॉमन नेम एथिल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल या स्प्रिट ऑफ वाइन, IUPAC नाम इसका एथेनॉल हो गया। स्ट्रक्चर इसके इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके मेनू, अगला हम लोग देख लेते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चर या कह सकते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे हम लोग एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे, तो उसके लिए कई विधियां हैं। मैन्युफैक्चर हम कई तरीकों से कर सकते हैं एथिल अल्कोहल का, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें और भी कई विधियां हैं एथिल अल्कोहल बनाने की, ढेर सारी विधियां हैं, ढेर सारे तरीके से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमुख हैं केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। और देखें तो इसमें पहला जो है वो है बाई एथाइलीन, एथिलीन, एथिलीन के द्वारा, किसके द्वारा, एथिलीन के द्वारा, एथिलीन के द्वारा हम किस प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर एथिलीन को, एथिलीन को या एथिलीन में जल मिला करके कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसे गर्म करें, बॉयल करें, अगर एथिलीन में जल डाल करके कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करें तो यह एथिलीन चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल में, किसमें चेंज हो जाता है, एथिलीन, देखें जल है H2O यानी H और OH, तो H जा करके एक कार्बन से और OH जा करके दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है और बन जाता है एथिल अल्कोहल। क्या बन जाता है बच्चों, एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि, बृहद पैमाने पर अगर हमको एथिल अल्कोहल का निर्माण करना है तो इस तरीके से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, एथिलीन में, किसमें, एथिलीन में हम जल मिला करके उसे सान सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बॉयल करें, गर्म करें,
तो वह चेंज हो जाता है एथिल एल्कोहल में। किसमें चेंज हो जाता है? एथिल एल्कोहल में। दूसरा है बाई फर्मेंटेशन, बाई फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन यानी किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। अब किण्वन किसका करेंगे? स्टार्च का। कोई स्टार्च या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हो, उस कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को या कार्बोहाइड्रेट वाले यौगिक को हम प्रायः उसका हम प्रायः किण्वन करते हैं, और इस किण्वन के पश्चात एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। उसमें कई तरह की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे हम सुक्रोज का सोलूशन ले सकते हैं, सुक्रोज का सोलूशन ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं, या मोलेसस सीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आज के युग में सबसे बढ़िया तरीका जो है खोजा गया है सीरे के द्वारा, क्योंकि सीरे में पांच से सीरा जो बाई प्रोडक्ट होता है सुक्रोज का, जब सुक्रोज का प्रिपरेशन किया जाता है तो उसमें जो सुक्रोज का बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसी को हम प्रायः मोलेसस या सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। या कह सकते हो कि जो गन्ने का रस है उस रस को छानने के पश्चात, जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात छानने के पश्चात जो मैल निकलती है उसी मैल को प्रायः सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा। और इस सीरे में 5 से लेकर 10% तक सुक्रोज पाया जाता है, और उस सुक्रोज को किण्वन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं एथिल अल्कोहल में। तो अगर ये भी एथिल अल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि है, प्रायः इसके द्वारा भी एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर सुक्रोज है C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र है सुक्रोज। अगर सुक्रोज में पानी मिला करके, जल मिला करके इसका हम जल अवघटन करें अम्लीय माध्यम में, कोई ईस्ट या कह सकते हैं एस टू सपोर्ट डाल दें, कोई भी अम्लीय माध्यम कर दें, और यहाँ इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अवघटन अगर किया जाए तो चेंज हो जाता है C6H12O6 + C6H12O6। अब ये दो बार लिखने का क्या मतलब? दो बार, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है, या ऐसे भी कह सकते हो ये ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, तो ये बन गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, समावयवी हैं, और वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, इसलिए इन दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, ये दोनों इन्वर्ट शुगर से बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगाया गया इन्वर्टेज एंजाइम, या कह सकते हैं ईस्ट या खमीर का इस्तेमाल किया गया। अब ग्लूकोज C6H12O6 इसको जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में रखा गया, तो ये चेंज हो गया C2H5OH + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो गया एथिल एल्कोहल। क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से ये बन गया एथिल एल्कोहल। तो ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में रखा जाए तो वो चेंज हो जाता है एथिल एल्कोहल में। तो इस प्रकार से हम प्रायः जो है फर्मेंटेशन के द्वारा भी एथिल एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ये फिर से देख लेते हैं, सुक्रोज का तनु विलयन लेकर के, या कह सकते हैं सुक्रोज लेकर के उसमें जल डालेंगे, जल डालने के पश्चात इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में रखेंगे कमरे के ताप पर, फिर वह चेंज हो जाएगा कुछ दिन के पश्चात ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसमें पुनः जो है एक दूसरा एंजाइम लगा देते हैं जाइमेज, और यह ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देता है, परिवर्तित कर देता है एथिल एल्कोहल में। ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है सुक्रोज से ग्लूकोज का निर्माण किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो वह है इन्वर्टेज। ये पूछा जाता है कि अगर हमको ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो वह है जाइमेज। क्या है? जो जाइमेज है। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तीसरी विधि है बाई एसीटिलीन के द्वारा। किसके द्वारा? एसीटिलीन के द्वारा किस प्रकार से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे? करते क्या है कि
एसिटिलीन को लेकर के, एसिटिलीन का सूत्र C2H2 या CH त्रिप्रबंध CH ऐसे लिखते हैं, एसिटिलीन एसिटिलीन, इसको जो है HgSO4 के साथ और H2SO4 के साथ इसको गर्म किया जाता है, जिससे इसका HgSO4 का विलयन है और H2SO4 का विलयन है, तो विलयन है तो H2O रहेगा ही, जलीय विलयन है तो H2O रहेगा, H2O में H और OH ये दोनों H जाकर के यहाँ OH जाकर के यहाँ लग जाता है, तो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH इस तरह से, और ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने के कारण जो है ये जो है इस कंपाउंड में चेंज हो जाता है CH3CHO, किस में चेंज हो जाता है CH3CHO, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। पुनः इसका हम लोग अपचयन करवा दें हाइड्रोजन और NI की उपस्थिति में अप्रॉक्स 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 120 से 240 के बीच में इसको अगर गर्म कर दें तो यह चेंज हो जाता है CH3CH2OH, ये बच्चों एथिल अल्कोहल है, क्या है एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से हम एसिटिलीन के द्वारा भी बड़ी आसानी से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि एसिटिलीन के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, करते क्या है HgSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिलीन को गर्म करते हैं, जिससे वो चेंज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड का अगर हम अपचयन करवा दें निकिल और हाइड्रोजन के साथ 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो वह एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से हमने तीन प्रमुख प्रिपरेशन पढ़ा एथिल अल्कोहल का, और भी ढेर सारी विधियाँ हैं जिसको हमने सामान्य एल्कोहल के सामान्य निर्माण की विधियों में बताया है, उसके द्वारा भी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके द्वारा भी एथिल अल्कोहल का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके बाद है प्रॉपर्टी। इसमें पहली प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण देखेंगे, इसका भौतिक गुण है क्या, इससे पहला है यह रंगहीन होता है, कैसा होता है रंगहीन, स्वाद में कड़वा या कसैला होता है, कड़वा होता है, तीक्ष्ण गंध वाला, कैसा तीक्ष्ण गंध वाला होता है, यह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, क्या है तीक्ष्ण गंध वाला द्रव। एथिल अल्कोहल रंगहीन, स्वाद में कड़वा, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है, ये पहला हो गया। दूसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, चूंकि द्रव है तो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, यह जल में पूर्ण विलेय है, जल में क्या होता है पूर्ण विलेय होता है, क्यों अगर पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल जल में पूर्ण विलेय है क्यों, तो इसका प्रमुख कारण यह है कि एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके चलते यह कार्बनिक यौगिक होते हुए भी ध्रुवीय विलायक के यानी जल में पूर्ण रूप से विलेय होता है, जल में पूर्ण रूप से विलेय होता है। चौथा है, इसको अगर मानव इसका इस्तेमाल अगर कर लेता है या कह सकते हैं कि इसको पी लेता है, तो पीने पर होता क्या है कि उसके शरीर में उत्तेजना आ जाती है, और ज़्यादा अगर शरीर में चला गया तो डिहाइड्रेशन भी शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर का जो जल है वह धीरे धीरे करके शरीर से बाहर होने लगता है, तो यह भी एक इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एथिल अल्कोहल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, पहला यह रंगहीन है, स्वाद में कड़वा होता है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, और यह जल में पूर्ण रूप से विलेय होता है, मानव अगर ड्रिंक कर ले इसे पी ले तो उसको उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, और ज़्यादा मात्रा में हो जाने पर यह डिहाइड्रेशन शुरू कर देता है, क्या शुरू कर देता है डिहाइड्रेशन। केमिकल प्रॉपर्टी दूसरा है, केमिकल प्रॉपर्टी
यानी एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। एथिल अल्कोहल अगर सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। इसको हमने सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ा था जब एल्कोहल का, तो उसमें बताया था आपको कि चूंकि एल्कोहल है एक लीस्ट एसिडिक गुण यानी जल से भी कम अम्लीय गुण रखता है, इसलिए इसमें क्रियाशील हाइड्रोजन है जो सोडियम धातु के साथ अपकृत होकर के हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। दूसरा, अगर हम PCl3 से एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवा दें तो एथिल क्लोराइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। तीसरा है, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो पुनः एथिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड और HCl बनता है। ऐसे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह एक मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और इसके साथ अभिक्रिया करके ये मीथेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मीथेन का। दूसरा अगला है, एथिल अल्कोहल आयोडीन के साथ और NaOH की उपस्थिति में अगर यानी एथिल अल्कोहल को आयोडीन मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके गर्म किया जाए तो आयडोफार्म बन जाता है। क्या बन जाता है? आयडोफार्म। ये पीले रंग का एक अवक्षेप है जिसको हम कहते हैं आयोडोफार्म, आयोडोफार्म। और इस पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है आयडोफार्म परीक्षण। क्या कहा जाता है? आयडोफार्म परीक्षण या आयडोफार्म अभिक्रिया। ठीक है, ये हेलोफार्म रिएक्शन के अंतर्गत आता है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि इसमें CH3 या जिस कंपाउंड में CH3CO समूह होता है वे सभी किसी हेलोजन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में अगर गर्म किए जाते हैं तो हेलोफार्म का निर्माण करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हेलोफार्म रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चूंकि यहाँ आयोडीन है इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहा गया आयोडोफार्म अभिक्रिया। तो जब एथिल अल्कोहल आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाएगा या गर्म किया जाता है तो आयोडोफार्म का निर्माण होता है। यह एक पीले रंग का अवक्षेप होता है। कैसा? एक पीले रंग का पदार्थ होता है और जिसे कहा जाता है आयोडोफार्म। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एथिल अल्कोहल कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? डाई एथिल ईथर। यही अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो यह एथिलीन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? एथिलीन में। उसी प्रकार से अगर एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिल एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। यह एक एस्टर है और इस अभिक्रिया को प्रायः एस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब कोई अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर और जल का निर्माण होता है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। तो एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया? एथिल एसीटेट। क्या बना लिया? एथिल एसीटेट। ऐसे इसका अगर एथिल, अगला देखते हैं, एथिल अल्कोहल HI और P फास्फोरस के साथ HI की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो यह चेंज हो जाता है एथेन में। किस में चेंज हो जाता है? एथेन में। यह इसका रिडक्शन, यह प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत। तो एथिल अल्कोहल का अपचयन, भाई अल्कोहल है तो अल्कोहल का अपचयन होगा तो क्या बनेगा? एल्केन, आपको बताया गया था, इसलिए ये एक एल्केन है, इसमें ये एथेन में चेंज हो गया। ऐसे अगर एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण? ऐसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा? क्लोरोफार्म बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोफार्म बनेगा। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या? CHCl3। क्या है सूत्र? CHCl3। तो क्लोरोफार्म कब बना? जब एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाकर के गर्म किया गया तो क्लोरोफार्म का निर्माण हुआ। ऐसे कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम क्लोराइड ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ऐसे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर अमोनिया से हो गई, यानी एथिल अल्कोहल में अमोनिया गैस प्रोवाइड किया गया तो वो चेंज हो जाता है एथिल एमीन में। किसमें चेंज हो जाता है? एथिल एमीन में। ऐसे अगर हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीकरण कराएं, तो पहले एसिटाल्डिहाइड उसके बाद एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
एसिटिक एसिड का। आइए अगला लास्ट है यूज, यूज देख लेते हैं एथिल अल्कोहल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पहला तो इसका उपयोग प्रायः मादक पेय के रूप में होता है। किसके? मादक पेय। कई प्रकार के ब्रांड होते हैं, हुस्की हो गया, रम हो गया, साइडर हो गया, इन सब मादक पेय में प्रमुख रूप से एथिल अल्कोहल अलग अलग कंपोजिशन में संघटक में पाया जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग मादक पेय के रूप में पहला हो गया। दूसरा, इसका उपयोग मोटर ईंधन में भी होता है। मोटर ईंधन में, मोटर ईंधन क्या? गैसोहल या गैसोलीन और अल्कोहल दोनों को मिला दिया गया तो बन जाता है गैसोहल। क्या बन जाता है? गैसोहल। और ये गैसोहल एक प्रकार का मोटर ईंधन है। क्या बच्चों? मोटर ईंधन। इसको डालने से थोड़ा ईंधन की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। तीसरा, इसका उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है? विलायक के रूप में भी होता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। और चौथा, इसका जो प्रमुख उपयोग है विभिन्न प्रकार के अन्य यौगिकों के निर्माण में, जैसे यहां देखें एथिलीन का निर्माण, डाइएथिल ईथर का निर्माण, आयडोफार्म का निर्माण, क्लोरोफार्म, यानी ढेर सारे रसायन इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी होता है। इस प्रकार से फिर से देख लें, पहला उपयोग, इसका उपयोग मादक पेय के रूप में, दूसरा मोटर ईंधन के रूप में, तीसरा विलायक के रूप में, और चौथा है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों, जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे एथिल क्लोराइड हो गया, आयडोफार्म हो गया, डाइएथिल ईथर हो गया, एस्टर हो गया, ये एथिल एसीटेट, क्लोरोफार्म हो गया, एथिल एमीन हो गया, एस्टल्डिहाइड, एसिटिक एसिड आदि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। टेस्ट देख लेते हैं, पहला टेस्ट तो यही हो जाएगा। टेस्ट अगर देखा जाए तो टेस्ट एथिल अल्कोहल का परीक्षण, टेस्ट ऑफ C2H5OH, एथिल अल्कोहल का परीक्षण। तो पहला परीक्षण, एथिल अल्कोहल में अगर सोडियम धातु का टुकड़ा डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस इवाल्व होना शुरू हो जाता है। क्या निकलने लगता है? हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो यहां से भी टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल में सोडियम का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पहला हो गया, अगर हम सोडियम का टुकड़ा डाल दें, ठीक है, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा प्रमुख परीक्षण, आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन दोनों को मिला करके और गर्म कर दिया जाए तो एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जिसका? पीले रंग का अवक्षेप मिलता है, और इस पीले रंग का जो अवक्षेप मिलता है वो आयडोफार्म के कारण होता है या आयडोफार्म का होता है, जो सिद्ध करता है कि यह एथिल अल्कोहल हो सकता है। तीसरा है यह, अगर इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत होने लगता है और हमको एस्टल्डिहाइड की तीखी गंध प्राप्त होती है, और अगर ज्यादा हो गया तो एसिटिक सिरके जैसी गंधानी अगर शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा जो दिया गया यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, वह एथिल अल्कोहल हो सकता है, होता है, कन्फर्म हो जाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक एथिल अल्कोहल है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक्स।